गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कृतिका के पहले पार्ट माता का आंचल के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में शिव पूजन सहाय जी ने ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है। एक ऐसा ग्रामीण परिवेश जो अभावों से भरा था, और इस पाठ का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो एक छोटे बच्चे पर है, जिसका नाम भोलानाथ है। वो बहुत ही अबोध है, छोटा है। इसमें बच्चे के बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन है कि कैसे एक बच्चा छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाता है। भोलानाथ का अपने पिता से काफी लगाव था। पिता के साथ उठना, सोना, जागना, खाना खाना, खेलना, सब कुछ शामिल था। माँ से उसका सिर्फ नाता दूध पीने तक का ही था। माता पिताजी के साथ सुबह उठ करके पिताजी जब उसे नहलाते धुलाते थे, नहलाने धुलाने के बाद उसके माथे पर एक त्रिपुंड बना देते थे। त्रिपुंड बनाने के बाद ऐसा लगता था कि वो बच्चा एकदम अच्छा खासा बम भोला बन जाता था, जिसकी वजह से पिताजी उसको प्यार से भोलानाथ कहते थे। तो मुख्य हमारा जो इस पाठ का चरित्र है वो है भोलानाथ। भोलानाथ, इसी भोलानाथ के ऊपर ही हमारी ये कहानी निर्भर है। वैसे तो भोलानाथ का जो वास्तविक नाम था वो था तारकेश्वर। भोलानाथ का मुख्य नाम तारकेश्वर था, लेकिन बाबूजी उसको प्यार से भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ भी अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहा करता था। बाबूजी सुबह उठ करके भोलानाथ को नहलाते धुलाते थे, फिर पूजा में अपने साथ ही लेकर के बैठते थे। भोलानाथ भी बाबूजी के साथ पूजा में उनका साथ देता था। पूजा हो जाने के पश्चात बाबूजी 1000 राम नाम को लिखा करते थे और उसको अपनी राम नाम की बही पोथी में रख दिया करते थे। उसके बाद 500 पर्चियां वो राम नाम की बनाते थे और भोलानाथ को लेकर के नदी की ओर चले जाते थे। वहां उस राम नाम की पर्चियों को आटे की छोटी छोटी लोइयां बना करके मछलियों को खिलाते थे। फिर बाबूजी वहां से लौटते वक्त भोलानाथ को अपने कंधे पे बैठा करके लाते थे और रास्ते में पेड़ की डालियों का झूला झुलाते थे। बाबूजी भोलानाथ के साथ कुश्ती लड़ते थे और भोलानाथ को खुश करने के लिए वो कुश्ती में हार जाया करते थे। बाबूजी को हारते हुए देख करके भोलानाथ बहुत खुश होता था। वो जब बाबूजी हार जाते थे तो गिर पड़ते थे, भोलानाथ उनके सीने पे चढ़ करके उनकी मूछें खींचने लगता था। बाबूजी झूठ मूठ का नाटक करने लगते थे और भोलानाथ उतना ही खुश होता तो बाबूजी प्यार से भोलानाथ के गाल पे चुम्मा दे देते थे। इस तरीके से भोलानाथ जो भी खेल खेलता था, बाबूजी हर खेल में उसके साथ शामिल रहते थे। घर आते थे तो अपने साथ खाना खिलाते थे, लेकिन माता को उस पे भी संतोष नहीं होता था तो वो भोलानाथ को दोबारा खाना खिलाती थी और तरह तरह की तुकबंदियाँ करती थी। बाबूजी पे नाराज होती थी कि मर्द जो होते हैं वो बच्चे को थोड़ा सा ही खिला देते हैं और सोचते हैं कि बच्चे का पेट भर गया, लेकिन माँ को इस पे संतोष नहीं होता था। वो भोलानाथ को खाना खिलाती थी और कहती थी कि मर्दुए क्या जाने
कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तो पाएगा दुनिया में ठौर। ऐसा कहके भोलानाथ को कई पक्षियों के नाम के कौर बना करके खिलाया करती थी और भोलानाथ भी अपने अबोध मन से वो कौर कहीं उड़ ना जाए इस वजह से वो खा लेते थे। फिर माता उनको पकड़ के रंगीन कुर्ता पहना देती थी, बालों में तेल लगा देती थी और चोटी बना करके उसमें रंग बिरंगे लट्टू बांध देती थी। वो अच्छे खासे कन्हैया बन जाते जिससे वो रोने लगते और रोते हुए बाहर आ जाते। लेकिन जब अपने साथियों के झुंड को देखते तो हंसी पूर्वक अपना रोना से सकना भूल जाते थे और बच्चों के उस टोली में शामिल होकर के तरह तरह के खेल खेलने लगते। भोलानाथ के तरह तरह खेल खेलने का तरीका भी अजीब था। जिस खेल को खेलना चाहते थे वो तुरंत ही तैयार हो जाता था। वो एक चबूतरे को मंच बना लेते थे और उस पे तरह तरह के नाटक करते। बाबूजी भी शामिल रहते। फिर तुरंत ही उसी मंच को वो एक मिठाई की दुकान बना लेते और मिठाई भी जैसे वो गीली मिट्टी का जलेबी बनाते, ठेले की पेड़े बनाते। इसी तरीके से हर चीज़ का पत्तों के वो पूड़ियाँ बनाते और उसको बेचने का काम करते। बाबूजी भी खरीदते उसे। फिर तुरंत वो भी नाटक खेल दूसरे में बदल जाता। वो बारात निकालने लगते। बारात निकालने के लिए वो चूहेदानी की पालकी बनाते, उसके अंदर एक दुल्हन बैठाते। बाबूजी जब दुल्हन का मुख देखने के लिए पर्दा उठाते तो सारे बच्चे हंसते हुए भाग जाते। फिर उसके बाद तुरंत ही खेती करने लगते। खेती करने के लिए वो मंच के ही उस पे कुआं बनाते और उस मूंज की रस्सी से पानी खींचते, छोटे छोटे पत्थरों के बीज बनाते, अनाज बोते। अनाज फसल तुरंत पककर तैयार हो जाती, उसे तोड़ करके वो फसल को तोड़ करके उसको उसाते और फिर उस फसल अनाज को बेचते। बाबूजी वहाँ भी शामिल होते। इसके बाद तुरंत दूसरा खेल एक भोज का आयोजन करते और बाबूजी भी बच्चों के उस भोज में शामिल हो जाते, उनके उसी पंक्ति में बैठ करके खाना खाने लगते और बच्चे हंसते हुए वहाँ से भाग जाते। कि इससे ये है कि भोलानाथ और उसकी जो साथी मंडली होती थी वो इन्हीं खेलों में अपने आप को खुश कर लिया करती थी। सब कुछ पूरा जो परिवेश था वो बहुत ही अच्छा था। इसी तरीके से और भी खेल खेलते। फिर उसके बाद अंत में कि एक बार बारिश हुई, वो भोलानाथ अपने मंडलियों के साथ बगीचे में गए। वहां उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू किया। उस चूहे के बिल से अचानक ही एक सांप निकल आया। सांप निकलता हुआ देख करके भोलानाथ और उनके साथी वहां से भाग निकले। कोई गिरता, कोई पड़ता, किसी को चोट लगती, लेकिन सब बेतहाशा भागते हुए अपने घरों को गए और भोलानाथ भी गए। जब बाबूजी ने भोलानाथ को देखा, भोलानाथ के को चोट लगी थी, बाबूजी ने भोलानाथ को अपनी गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन भोलानाथ उस वक्त बाबूजी के पास ना जा करके अपनी माता के आंचल में छुप गए। कि बाबूजी से भोलानाथ का जो इतना लगाव था, लेकिन उस वक्त भोलानाथ को जो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह महसूस हो रही थी वो थी उसकी माँ का आंचल। माँ उसको बहुत प्यार से पुचकार रही थी, दुलार रही थी, अपने आंचल से भोलानाथ के आंसुओं को पोंछ रही थी, चोट लगे स्थान को पोंछ रही थी। भोलानाथ को वहाँ बहुत सुकून मिल रहा था और वो अपनी माँ के आंचल में ही सिसक रहा था। बाबूजी ने बहुत कोशिश की भोलानाथ को लेने के लिए, लेकिन भोलानाथ नहीं आया। तो बच्चों, इस पाठ में आप जब इसको पढ़ेंगे भी
और मेरे इन बात को जो आप सुन भी रहे हैं उसमें सिर्फ यही है कि भोलानाथ के साथ हर समय बाबूजी शामिल रहते थे, लेकिन जब भोलानाथ के ऊपर विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तो भोलानाथ को उस वक्त बाबूजी से कहीं ज्यादा जो सुरक्षित जगह महसूस हुई वो थी उसकी माँ का आंचल, जहाँ वो अपने आप को बहुत ही सुकून पाता है। उसके लिए उससे एक अच्छी जगह और कहीं नहीं दिख रही थी। तो आप ये समझ के होंगे, लेकिन इसमें बात ये है कि भोलानाथ का जो वो ग्रामीण परिवेश था, भले ही अभावों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें भी वो बहुत खुश था। अगर हम आज के परिवेश की बात करें तो आज बदलते समय के अनुसार सब कुछ बदल गया है, चाहे वो बच्चों के खेल खिलौने ही क्यों ना हो। कि भोलानाथ को हर खेल के लिए किसी भी साधन को जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो खेल सोचा साधन अपने आप उपलब्ध हो गए। लेकिन आज इस दौर में बच्चों के खेल खिलौने भी बहुत महंगे हो गए हैं। उनको खेलने के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, वीडियो गेम, कंप्यूटर पे गेम, महंगे मोबाइल या महंगे इतने गैजेट्स हो गए हैं कि जिनको उपलब्ध कराना हर माँ बाप के लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप को महंगे उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं कि जिस चीज की जरूरत है वो बच्चे को तुरंत उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये भोलानाथ के वक्त के समय के खेल और खिलौने हैं और आज के खेल खिलौनों में बहुत अंतर हो गया है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।